नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु राजीव महापात्र स्वागत करुच्चे आपण मानकर फेवरेट चैनल एजुकेशन प्लानेट को। तो देखो आपण मानक सका न्यूज मिल सारी जो नवेम्बर स्कूल आम षोल स्कूल खोल को जाऊँ कि देखो नवेम्बर षोल पुणी स्कूल खोल ना बोली मंत्री प्रकाश करेट कौन अच्छी से संबंध में जानवे जो पुणी के स्कूल खोल ये नवेम्बर मस खोल कि खोल से पुणी देखा और ता सह एसओपी जो आम ओडा सरकार तरफ आँ कौन गाइडलाइन अच्छी आम अनलॉक से देखा प्लस निष्ठार जो मड गुड़िक अच्छी जदि आपतिका प्रोसेस जोटा मुझे सकाल कही सेमती आदि एड कर पारना ये आपको लिंक देखा मिल लिंक आम आपको प्रोवाइड करूँ आप डायरेक्ट जापरेंगे। तो देखो तो भिडियो आरंभ कर मो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ और नोटिफिकेशन बेल को अन कर अल कर दिखाँ जहाँ फिर लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज आप चैनल देखा पापर। तो चलो देखिए आम आसी आम गाइडलाइन टे आगे पढ़ीदे। तो देखो ये एसओपी आसी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिलीफ कमिश्नर तरफ और नंबर अच्छी 6145 और डेट अच्छी 31/10/2020। तो देखो तो आमर लॉकडाउन पाई कौन कौन सब अच्छी यहाँ आमर लागू हम 1/11 रु 30/11 पर्यंत आसी लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन रहिबो जहाँ लिखा जाइछि एवं लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कमिश्नर सेल डेमोक्रेट कंटेनमेंट जोन इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ एमओएच एफडब्ल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एच एंड एफडब्ल्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द कंटेनमेंट जोन विल बी नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड इनफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विथ एमओएच एफडब्ल्यू। तो देखो इन दि कंटेनमेंट जोन एसेंशियल एक्टिविटी जो भी अलाउड जोड़ा अति दरकार थी कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल एक्टिविटी जोड़ा से गुड़ा केवल अलाउड हम तापर देखो कौन लिखाई देयर शैल बी स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल टू एनश्योर दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ दिस जोन्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज एंड फॉर मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। तो देखो केवल मेडिकल इमरजेंसी आपण जदि मान चलाबुला जमी बाहर लोक भितर न जाए भितर लोक बाहर न आसती से प्रति ध्यान देवे केवल मेडिकल इमरजेंसी जदि आप कह गए जदि फूड एसेंशियल हो कि गोटे एसेंशियल जिनस दरकार हे तो से नहीं हो पार बाकी सब कटकणा लागू रहिबो। तो देखो आमर एटा थिला कंटेनमेंट जोन तापर जदि आम देखा नो अथॉरिटी शैल इम्पोज एनी लोकल लॉकडाउन एट डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन सिटी और बिलो लेवल आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। तो देखो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन मोबिलिटी कंग्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ शॉप्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शैल बी एनकरेज। तो देखो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती सॉरी ऑनलाइन लर्निंग चलती डिस्टेंस लर्निंग चलती से गुड़क हम किसी असुविधा नहीं से गुड़क एनकरेज करा दरकार। स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मे परमिट टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ टू बी कॉल्ड टू द स्कूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग टेलीकाउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स ओनली एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तब देखो आमर जो स्कूल मास एजुकेशन डिपार्टमेंट बा हो बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट परमिट कर पारंती टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को कौन पाए ना ऑनलाइन टीचिंग पाए एवं टेलीकाउंसलिंग पाए बा तासो किसी रिलेटेड वर्क पाए। तो देखो इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स ओनली फॉर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तापर देखो डी नंबर पॉइंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी परमिटेड टू ओपन ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम रिक्वायरिंग लैबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो देखो आम लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट म्युनिसिपल कमिश्नर मे परमिट पब्लिक वर्शिप इन रिलीजियस प्लेसेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप विथ एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन लोकल असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन विथ रिगार्ड टू स्प्रेड ऑफ कोविड 19। तो देखो अच्छी सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल एंड आउ एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जोड़ा अच्छी थिएटर्स ऑडिटोरियम असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसेस जोड़ा अच्छी से गुड़क क्लोज रही है रिमेनली जमी क्लोज थी क्लोज रही। तो देखो आउ कौन लिखाई ओपन एयर थिएटर्स एंड आम सिमिलर प्लेसेस सब्जेक्ट टू कंप्लेंट्स ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सच एज मैंडेटरी वायरिंग ऑफ फेस मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंस जोटी भी जोड़ा जिनस खोला अच्छे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रही है और फेस मास्क जमी यूज कराब से विषय नहीं ध्यान देवाई कह। तो देखो से सब एसओपी तो अच्छी जब आपको एसओपी से दरकार मुझे पठेदेवी कि आम जो दरकार आम जो देखा चाहूँ से ही जिनटी मुझे आपको देखेदेगी। तो देखो हाउएवर द क्लासेस ऑफ 9th to 12th स्टैंडर्ड इन स्कूल्स अंडर द कंट्रोल सुपरिंटेंडेंट सुपरविजन ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट विल ओपन फ्रॉम नवंबर 16/2020 एज पर गाइडलाइंस एसओपी टू बी इश्यूड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जोटा कहला जो 9th आम प्लस टू जाए जो स्कूल खोल नवंबर 16 लिखा जाए एसओपी से आसी कि आउ गोटे एवं लेटेस्ट खबर आसी जहाँ मुझे आपको देखेदेवी चाहे। देखो ये लिखा जाए प्योरली जे नवंबर 16/2020 9 10 एंड प्लस टू खोलिबो किंतु आपन को मु आउ गोटे जिनस देखे चाहे आप देखो
ଏଇ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ 16ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ 16ରେ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ନଭେମ୍ବର 16ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ SRC, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 16ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଯେ SOPC ଲେଖା ହେଇଛି ନଭେମ୍ବର 16ରେ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ, ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ଖୋଲି ହେବନି ବୋଲି ଆମର ଯାହା ଆମର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ତେବେ ଯେବେ ବି ଖୋଲୁ ଟିକିଏ ବରଂ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପିଓରଲି ଆମର ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ପିଓରଲି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେମିତିକା ଖୋଲିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଆ ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେମିତିକା କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ନିହାତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବା ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଉପରେ ବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଉପରେ ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଦିଆହେଉଛି, କେଉଁଠି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ନେଇ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବ। ତେବେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡେଟ୍ଟି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଡେଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ନେଇ କଥାଟିକୁ ରଖିବୁ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇକି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ମଡ଼ୁଲ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ମଡ଼ୁଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ କେମିତିଆ ଯାଇକି ଆଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଆଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ଟି ଅଛି ମଡ଼ୁଲ 4, 5, 6 ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଏଇ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ଟି ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମାଙ୍କନ ଆଜି କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜି ପାଖରୁ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଆଡ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାରେ ସୁବିଧା ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ଆଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଉପାୟ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଥିଲି କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।